का स्पेशल रूप से सीटेट का मैंने प्लेलिस्ट भी जारी किया है, मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखा है और उसमें बहुत सारी चीज़ों को मैंने समेट के रखा है, उसमें आपके लिए दिया है। उसी से संबंधित आज टॉपिक मैंने फिर से लिया है, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, जिसको कि हम कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रख देना है कि ये बाल केंद्रित अर्थात यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड क्या है, अर्थात बाल केंद्रित शिक्षा की से पहली हम बात करेंगे। तो बाल केंद्रित शिक्षा क्या है? तो बाल केंद्रित शिक्षा से तात्पर्य वह उसी शिक्षा से है जिसमें संपूर्ण शिक्षा का स्वरूप जो होता है वो बालक पर ही टिका हुआ होता है, अर्थात जिस प्रकार की बालक की रुचियां होती हैं, उसकी योग्यताएं होती हैं, उसकी क्षमताएं होती हैं, उसके प्रवृत्तियां होती हैं, उसके अनुरूप ही हम क्या करते हैं, बालक को शिक्षा प्रोवाइड करते हैं, बालक को शिक्षा प्रदान करते हैं। अर्थात एक प्रकार से आप देख लेंगे तो शिक्षा से संबंधित आज का परिप्रेक्ष्य संपूर्ण रूप से बालक के ऊपर ही केंद्रित होता है। बाल केंद्रित जो शिक्षा होती है वो डेफिनेटली आप देखेंगे तो चूंकि बालक पर केंद्रित होती है तो ये व्यक्तिगत शिक्षण पर पूर्णतः जोर देती है। यह आप देखेंगे कि ये बाल केंद्रित जो शिक्षा है पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है और ये बाल केंद्रित शिक्षा में आप संपूर्ण विकास अर्थात बालक के सर्वांगीण विकास के ऊपर अर्थात चहुमुखी विकास के ऊपर आप बल देते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, तो बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये बाल केंद्रित, ये जो आपका बाल केंद्रित शिक्षा के उद्देश्य उद्देश्य आप बाल केंद्रित शिक्षा के उद्देश्य में देखेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य किस प्रकार का होना चाहिए। तो बच्चों के रुचियों, क्षमताओं, प्रवृत्तियों, योग्यताओं के अनुसार ही उसको शिक्षा दी जानी चाहिए। फिर बालक को सामान्य से, विशिष्ट से सामान्य की तरफ शिक्षा देना चाहिए, अर्थात हमेशा आगमन पद्धति के द्वारा, अर्थात आगमन, क्योंकि आप देखेंगे कि तो पहले हम क्या करते हैं, आगमन पद्धति में क्या करते हैं, पहले हम उदाहरण को प्रस्तुत करते हैं, फिर हम नियम की तरफ जाते हैं। उससे क्या होगा, बालक के समझ को विकसित करेगा। तो हमें यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि उसकी समझ का विकास करना। तो बाल केंद्रित शिक्षा में हम रचनात्मक कार्यों पर ज़्यादा बल देते हैं क्योंकि उसकी समझ का विकास हो। फिर उसको स्वयं से खोजने की प्रवृत्ति पर हम ज़्यादा बल देते हैं कि तुम स्वयं से खोजो, और स्वयं से खोज करके जब वो अपना पढ़ेगा, लिखेगा और समझ बढ़ाएगा तो डेफिनेटली वो उसमें ज़्यादा अचीवमेंट हासिल कर पाएगा। तो अर्थात जो हमारा उद्देश्य होता है ये संपूर्ण रूप से बाल केंद्रित ही होता है। फिर उसकी जो विशेषताएं होंगी, अर्थात बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य था उसकी विशेषताएं। विशेषताओं में जब हम देखेंगे तो बाल केंद्रित शिक्षा एक मुख्य रूप से आधार होता है जिसके कारण से या जिसके तहत हम बच्चों को जिधर चाहें उधर हम मोड़ सकते हैं। फिर बालक को उसकी योग्यताओं, क्षमताओं, विशेषताओं, गुणों के आधार पर उसको शिक्षा दिया जाता है। अब बालक के अभिरुचियों, उनकी योग्यता, क्षमता, उसके लगाव के तहत हम शिक्षा को देते हैं। फिर बालक का सर्वांगीण विकास करना, उसकी विशेषताएं यहाँ पर होती हैं। फिर इसके अलावा बालक का संपूर्ण रूप से डेवलप करना, उसके शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, भावात्मक, संवेगात्मक, अर्थात हर एक प्रकार से उसका उसका जो है वो हम क्या करते हैं, उसका विकास करने के लिए हम सहयोग प्रदान करते हैं। अब हम देखेंगे बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व। बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व हम देखेंगे तो बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व, इसके तहत हम देखेंगे सरल ढंग से शिक्षण आत्माभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना,
व्यावहारिक और सामाजिक ज्ञान के साथ जोड़ना। क्रियाशीलता आधारित शिक्षा फिर करके सीखने पर जोड़। अर्थात जब हम महत्व की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि सरल ढंग से शिक्षण करना सबसे पहला कर्तव्य होता है, सबसे पहला महत्व होता है आत्माभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना। हम ऐसा ना हो कि उसको इतना दबाव दे दें, उसको इतना बिल्कुल इतना दबाव उसके ऊपर रखें कि वो खुल करके वो बोल ही ना पाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर व्यावहारिक और सामाजिक ज्ञान को के साथ जोड़ना। जब भी हम शिक्षण करने जाते हैं तो हम व्यावहारिक और सामाजिक शिक्षण को साथ में जोड़ने का प्रयत्न करते हैं, जिससे कि बच्चा क्या हो तो अपने दैनिक जीवन के साथ उसको जोड़ सके, जिससे कि उसके समझ का विकास हो सके। फिर क्रियाशीलता आधारित शिक्षा। जब भी हम ऐसा नहीं हो कि मतलब हम शिक्षण कर रहे हैं और बच्चा बिल्कुल निष्क्रिय बैठा हुआ है, चुपचाप बैठा हुआ है, कोई सोया हुआ है, कोई उंघा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अर्थात क्रियाशीलता उसमें जागृत होनी चाहिए। फिर आपका करके सीखने पर जोर। आज की जो शिक्षा है वो ह्यूरिस्टिक पद्धति पर ज़्यादा जोर देता है, जिसमें कि हम हर एक चीज़ को करके जब सीखते हैं तो उसमें डेफिनेटली 100% उसमें समझ हमारी विकसित होती ही होती है। अब हम देखेंगे बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका। अर्थात बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका। अब ये बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की बड़ी ही भूमिका होती है। आज के समय में जैसे कि ये बाल केंद्रित से नाम स्पष्ट है कि संपूर्ण रूप से शिक्षा आज बाल केंद्रित है, उसमें शिक्षक बहुत ज़्यादा नहीं है। क्योंकि पहले क्या होती थी शिक्षा, सब कुछ शिक्षक आधारित शिक्षा होती थी, क्योंकि जो शिक्षक पढ़ाया उसमें बच्चा टोक वो कुछ नहीं सकता था। लेकिन आज वैसा नहीं है, आज संपूर्ण रूप से शिक्षा जो केंद्रित है वो बाल केंद्रित है। अब शिक्षक का क्या काम है कि शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है, एक उसका सहयोगी, बालक का सहयोगी के रूप में काम करता है। अर्थात जहां भी उसको लगे कि उसका मार्गदर्शन करना चाहिए, चाहे वो विभाग कोई भी हो, उसको हर एक क्षेत्र में जाने के लिए उसका मार्गदर्शन करना चाहिए, चाहे उसके शारीरिक विकास से संबंधित हो, उसके मानसिक विकास से संबंधित हो, उसके चारित्रिक विकास से संबंधित हो, भावात्मक विकास से या अन्य विकास से संबंधित हो। उसमें सभी विकासों के में वो क्या करता है, शिक्षक क्या करते हैं, तो उसमें मार्गदर्शन अर्थात पथ प्रदर्शक की भूमिका अदा करते हैं कि भैया तुम्हें क्या कहाँ जाना है, यहाँ जाना है, क्योंकि तुम्हारे लिए रास्ता ये रुचिकर और तुम्हारे लिए हिसाब से ये। क्योंकि शिक्षक जो होते हैं वो सभी बच्चों को देखते हैं और देख करके वो पहचान जाते हैं कि इसमें कितनी क्या क्वालिटी है, क्या क्वालिटी नहीं है। तो शिक्षक की एक भूमिका होती है कि वो पथ प्रदर्शक की भूमिका अदा करता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक जो होते हैं वो एक धुरी का काम करते हैं। धुरी का काम इसलिए करते हैं क्योंकि संपूर्ण रूप से बाल केंद्रित शिक्षा किस पर निर्भर करता है, तो शिक्षकों पर निर्भर करता है। जिस प्रकार से किसी भी वाहन में अगर हम उसका एक पहिया को निकाल दें तो क्या वाहन चल पाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जिस प्रकार से वाहन का एक पहिया वहां से धूरी को निकाल देने पर, या धूरी को ही अगर हम निकाल दें तो क्या वाहन चल पाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं चल पाएगी। उसी प्रकार से बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक जो होते हैं वो एक धुरी का काम करते हैं और एक पथ प्रदर्शक के रूप में उसके साथ सदैव हमेशा कार्य करते रहते हैं। अब हम देखेंगे बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत कुछ हैं। क्या देखेंगे हम बाल केंद्रित शिक्षा के जो सिद्धांत हैं उस सिद्धांतों को हम देखेंगे। तो बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत। अब बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत में हम ये सबसे पहले देखेंगे कि पहला क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता
का सिद्धांत रुचि का सिद्धांत प्रेरणा का सिद्धांत चयन का सिद्धांत फिर वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत। इसमें हम देखेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा के जो सिद्धांत होते हैं उसमें सबसे पहला क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि क्रियाशीलता बहुत महत्वपूर्ण होता है कि अगर आप शिक्षण करने जा रहे हैं, किसी कक्षा में हैं और कक्षा में जो बालक हैं वो सो रहे हैं, वो उसमें कोई मतलब मूवमेंट नहीं है, न कुछ वो समझ रहा है, न जान रहा है, न वो चल रहा है, न कुछ कर रहा है, बिल्कुल एकदम से क्रियाशील नहीं है, एकदम से निष्क्रिय हुआ बैठा हुआ है, तो वैसी शिक्षा आज का बिल्कुल भी नहीं है। अर्थात हमारी शिक्षा वैसी होनी चाहिए जो कि क्रियाशीलताओं पर बल दे। तो जब हम क्रियाशीलता पर बल देते हैं तो डेफिनेटली उसके मानसिक विकास से संबंधित, उसके शारीरिक विकास से संबंधित, उसके चारित्रिक विकास, अर्थात सभी विकासों को, सभी पक्षों को हम यहाँ पर लागू करने का प्रयत्न करते हैं। फिर आपका रुचि का सिद्धांत। आज चूंकि बालक केंद्रित शिक्षा है और उसमें रुचि का बहुत महत्वपूर्ण अवसर होता है। अब देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि कोई, बहुत सारे बच्चे को ऐसे हो जाता है, आज भी ग्रामीण इलाके में खास करके आप देखते होंगे, आप खुद इसके गवाह होंगे कि बहुत सारे बच्चे, मान लीजिए कि वो टेंथ कर चुका है, अब टेंथ करने के बाद इलेवेंथ में गया और बच्चा चाहता है कि हम आर्ट्स लें, और उसके जो मम्मी पापा या अभिभावक गण हैं वो चाहता है कि नहीं ये साइंस ले, और जबरदस्ती उस पर साइंस थोपा जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा चाहता है साइंस लें और उसको आर्ट्स थोपा जाता है, कई बार वो कॉमर्स चाहता है लेकिन कोई अन्य विषय थोपा जाता है। अर्थात अगर ऐसा इस प्रकार से अगर थोपा जाएगा तो कभी भी वो उस विषय में कभी भी अचीवमेंट कभी भी हासिल नहीं कर पाएगा, और केवल उसके लिए वो शिक्षा क्या हो जाएगी, बोझिल शिक्षा का काम करेगी। अतः हमें ये बहुत ज़्यादा, इसमें रुचि का सिद्धांत बहुत मायने रखता है कि बालक की रुचियों के अनुसार जब हम शिक्षा प्रदान करते हैं तो डेफिनेटली उसका इंटरेस्ट हाई लेवल पर होता है, और जब इंटरेस्ट हाई लेवल पर होता है तो उसका अचीवमेंट भी क्या होता है, हाई लेवल पर जाता है। फिर इसके अलावा प्रेरणा का सिद्धांत। ये अभिप्रेरणा जो है, मोटिवेशन जो है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर हम शिक्षा में हैं और कभी भी हम अगर छात्रों को मोटिवेट नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं तो क्या बच्चा अच्छी तरीके से पढ़ पाएगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो धीरे 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 उसकी प्रेरणा समाप्त होती जाती है, और बच्चा नहीं जागृत हो पाता है। क्योंकि कई बार बच्चा ऐसा होता है कि बच्चा एकदम से सो रहा है या मतलब ऐसा इधर उधर कुछ काम कर रहा है, लेकिन जब हम उसको प्रेरणा देते हैं कि बच्चा तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम्हारे लिए ही ये पद है, तुम्हारे लिए ही ये परीक्षा है, तुम्हारे लिए ही ये इतने सारे मार्क्स हैं, अर्थात तुम कुछ भी करने में समर्थ हो, अर्थात इस प्रकार से जब हम उसको अभिप्रेरणा देते रहते हैं, उसको उसकी जागृति प्रदान करते रहते हैं, उसका उत्थान करते रहते हैं, उसको मोटिवेट करते रहते हैं, तो डेफिनेटली उसमें प्रेरणा आती है, उसमें आत्मविश्वास आती है, उसमें आत्मचेतना आती है, और फिर वो एकदम से फिर से लग जाता है, और फिर डेफिनेटली उसका अचीवमेंट लेवल काफ़ी ऊंचा जाता है। फिर हम चयन का सिद्धांत को देखेंगे। तो चयन के सिद्धांत में हम देखते हैं कि चयन का सिद्धांत ये कहता है कि बच्चे को चयन करने की आज़ादी होनी चाहिए। अब चयन में से तात्पर्य ये है कि बहुत सारे विकल्प होते हैं, उसमें से जब हम किसी एक का चयन करते हैं, अपने अनुसार जब हम एक का चयन कर लेते हैं तो हमारे लिए वो चयन का सिद्धांत कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि बहुत सारी नौकरी है, आप DSS, DSSB, KBS, KVS, NVS या अलग अलग, मान लीजिए कि आपने परीक्षा दी
और लगातार 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 आपकी सफलता एक साथ आपको तीन चार क्वालिफाई हो गए, आप DSSB मैच भी चले गए, आप KVS और NVS सबका परीक्षा फल आपके मुताबिक आया, अर्थात आपके पक्ष में आया। जब आपके पक्ष में आया तो आपको उसमें से एक तय करना होता है कि भैया मुझे इस DSSB में जाना है, KVS में जाना है, NVS में जाना है, या किसी राज्य सरकार के तहत जो हमारी परीक्षा में निकली है उसमें जाना है। अर्थात जब हम उसमें से किसी एक का चयन हम कर लेते हैं, किसी एक का जब हम चयन कर लेते हैं तो वही क्या कहलाता है, तो चयन का सिद्धांत। तो चयन का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से अगर हम इसमें शिक्षा के दृष्टिकोण से देखेंगे तो जब हम बहुत सारे ये क्या हैं, आर्ट्स भी है, साइंस भी है, कॉमर्स भी है, अन्य भी है, तो उसमें से जब हम एक का चयन कर लेते हैं तो वो क्या होता है, आपका चयन का सिद्धांत होता है। फिर वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी कक्षा के लिए या किसी भी शिक्षा बाल विकास के लिए। आप देखेंगे कि वैयक्तिक विभिन्नता, वैयक्तिक विभिन्नता आप देखेंगे कि जन्म से ही एक माता पिता के जो दो संतान होते हैं वो आपस में जब भिन्न होते हैं तो स्कूल में जितने छात्र होते हैं वो क्यों नहीं भिन्न होंगे, सभी के सभी आपस में बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो जब अलग अलग होते हैं तो एक शिक्षक होने के नाते हमें क्या करना होता है कि उसकी विभिन्नताओं को हमें समझना होता है। कुछ मंद होते हैं, कुछ तीव्र होते हैं, कुछ सामान्य होते हैं, तो उसमें उसको उसके हिसाब से जब हम ट्रीट करते हैं, उसके हिसाब से जब हम उसको पढ़ाते हैं तो सभी बच्चे क्या होता है, अपने अपने अपनी अपनी गति के अनुसार, अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार, अपनी अपनी योग्यताओं के अनुसार पढ़ पाता है। और यही क्या होता है, वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत होता है। कई बार मंद बालक जो होता है वो उस सामान्य की स्थिति में नहीं आ पाता है, उसी के लिए हम क्या करते हैं, रेमेडियल क्लासेस वगैरह को प्रोवाइड करते हैं और उसको सामान्य की स्थिति में लाने का प्रयत्न करते हैं। अब हम देखेंगे प्रगतिशील शिक्षा को, क्या देखेंगे, प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा, अब प्रगतिशील शिक्षा में हम जब देखते हैं तो प्रगतिशील शिक्षा का मतलब क्या होता है, तो शिक्षा वह है जो कि व्यक्ति और समाज दोनों के हिसाब से ही वो उन्नत बनाने का कार्य करे, ऐसी ही शिक्षा होनी चाहिए। तो शिक्षा का एक ध्येय होता है जो कि किसी भी व्यक्ति को और उस समाज को अग्रसर, अर्थात वो तीव्र गति से उसका विकास करते हुए नजर आए। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो कि दोनों का एक साथ विकास कर सके, वैसी ही अवधारणा या वैसी ही विकास की प्रक्रिया, वैसी ही शिक्षा को हम क्या किसके नाम से जानते हैं, प्रगतिशील के नाम से जानते हैं, प्रगतिशील शिक्षा के नाम से जानते हैं। अब हम अगर देखेंगे कि प्रगतिशील शिक्षा, तो प्रगतिशील शिक्षा को सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट करने वाले होते हैं वो जॉन डीवी का नाम उसमें सबसे अग्रणी में आता है। और प्रगतिशील शिक्षा में हम देखेंगे कि प्रगतिशील शिक्षा वह शिक्षा है जो हमेशा शिक्षा बालक के लिए होती है। क्या होती है, शिक्षा बालक के लिए होती है, शिक्षा बालक के लिए होती है, न कि बालक शिक्षा के लिए। अर्थात शिक्षा बालक का निर्माण करती है, न कि बालक शिक्षा का। आप देखेंगे ये कोटेशन बहुत महत्वपूर्ण है कि शिक्षा बालक के लिए होती है न कि बालक शिक्षा के लिए। क्या शिक्षा कभी बालक कभी शिक्षा के लिए होती है, क्या ऐसा नहीं है। अर्थात शिक्षा ही बालक का निर्माण करती है, शिक्षा के द्वारा बालक का निर्माण होता है, इसीलिए शिक्षा बालक के लिए होती है न कि बालक शिक्षा के लिए। अब हम देखेंगे प्रगतिशील शिक्षा के सिद्धांत, प्रगतिशील शिक्षा
के सिद्धांत। ये प्रगतिशील शिक्षा के सिद्धांत को हम जब देखेंगे तो मस्तिष्क एवं बुद्धि का सिद्धांत चिंतन की प्रक्रिया का सिद्धांत ज्ञान का सिद्धांत। हम ये देखेंगे कि यहाँ पर तीन प्रकार के सिद्धांत प्रगतिशील शिक्षा के जो सिद्धांत होते हैं उसमें सबसे पहला आता है आपका मस्तिष्क एवं बुद्धि का सिद्धांत। मस्तिष्क एवं बुद्धि का सिद्धांत यह बताता है कि कभी भी बच्चा का जो मनोमस्तिष्क होता है उसकी जो बुद्धि होती है सब क्योंकि अलग अलग होता है, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नताएं जो होती हैं वो डेफिनेटली सब में होती हैं। तो आप देखेंगे कि कुछ मंद होते हैं, कुछ तीव्र होते हैं, कुछ सामान्य होते हैं, तो सब अपनी अपनी गति से। तो इसी के कारण ये मस्तिष्क एवं बुद्धि का सिद्धांत ये कहता है कि आप शिक्षक होने के नाते बच्चों को इस प्रकार से ट्रीटमेंट कीजिए कि सामान्य, मंद और तीव्र तीनों एक साथ वो चल पाएँ, नहीं तो बीच में क्या होगी, ब्रेक लग जाएगी। तो इस प्रकार से अब हम मस्तिष्क एवं बुद्धि का सिद्धांत ये कहता है कि आप किस प्रकार के दें, तो चिंतन पूर्ण जो प्रक्रिया है उसमें वहाँ पर सम्मिलित बच्चों को करते रहें। तो इस प्रकार से फिर हम जब चिंतन की प्रक्रिया का सिद्धांत जब हम देते हैं तो चिंतन की प्रक्रिया में ये होता है कि अब हम जब कुछ भी देते हैं तो उसको ऐसा हमें देना चाहिए ताकि बच्चों में चिंतनशीलता वहाँ पर आए, क्योंकि चिंतनशीलता से ही सृजनशीलता बनती है, काल्पनिकता बनती है। तो काल्पनिकता को बनाने के लिए, उसको वहाँ पर प्रारब्ध करने के लिए हमें चिंतन का विकास करना बेहद ज़रूरी होता है, तभी हम किसी भी प्रगतिशील शिक्षा में क्या करेंगे, सृजनात्मकता को वहाँ पर, काल्पनिकता को वहाँ पर उसके माध्यम से बच्चों में समेट सकेंगे। फिर ज्ञान का सिद्धांत ये कहता है कि ज्ञान का सिद्धांत कैसा होना चाहिए, तो खोज करके आप खुद से सीखिए। ऐसा नहीं कि, क्योंकि एक शिक्षक क्या होते हैं, एक मददगार के रूप में होते हैं, अर्थात एक पथ प्रदर्शक के रूप में होते हैं। तो ज्ञान का सिद्धांत ये कहता है कि शिक्षक का दायित्व चूंकि मददगार होने का है तो वो एक रास्ता बताए और उस पर चलने के लिए बच्चे खुद जाएं। जब बच्चे खुद जा करके उसको करके उसको सीखेंगे तो निश्चित रूप से उसके ज्ञान का जो विकास होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। फिर इसके हिसाब से अगर हम इसकी विशेषताओं को देखेंगे, प्रगतिशील शिक्षाओं को, शिक्षा की जो विशेषताएं होती हैं, तो उसमें ये देखेंगे कि सरल कंटेंट, आप ऐसा नहीं हो कि उसके स्तर के अनुसार हो, बिल्कुल उसके स्तर के अनुसार कंटेंट हो, बच्चों के लिए रुचिपूर्ण हो, बच्चों की अवस्थाओं, उसकी योग्यताओं, उसकी क्षमताओं के अनुसार कॉन्टेंट हो। अर्थात जब भी हम पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के दरमियान ऐसा ना हो कि एकदम से दंडात्मक व्यवस्था का हो, ऐसा बिल्कुल भी ना हो। आज के समय में दंडात्मक व्यवस्था संपूर्ण रूप से खत्म हो चुकी हैं, तो ये सब सारी चीज़ें इसमें समाहित होती हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की जो अवधारणा है मैंने उसको आज स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।